एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन देखिए बेटा। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी हिस्से से ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के धार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे और सीधा खड़ा रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखिए बेटे 18 मीटर ऊंचे एक खंभा, ये 18 मीटर ये खंभा है हमारे पास ऊंचा, क्या कहते हैं कि ऊपरी सिरा, ये ऊपरी सिरा ए हो गया हमारे पास के उससे एक तार का सिरा जो है एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा जो एक खूंटे से जुड़ा हुआ है यहाँ पे बी पे, ठीक है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खंभे के आधार से कहते इतना कितनी दूरी से गाड़ा जाए ताकि तार जो है तना रहे, सीधी तार है इस तरह से, जबकि तार की लंबाई कितनी है 24, ये ए बी तार है और ये हमारे पास क्या है उसका एक लंबाई उसकी दी हुई है 24 मीटर, ये ए बी तार है तो यहाँ पे ए बी लिखना था बेटे। ए सी हमारे पास 18 मीटर है, ये खंभा है, ए बी एक तार है, ए बी 24 मीटर है और बी सी हमें निकालना है। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये सीधी है, खंभा सीधा ही होगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्या था ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी हमारे पास 24 है, ए सी हमारे पास कितना 18 है और बी सी हमारे पास निकालना है। 24 का स्क्वायर 24 को 24 से करेंगे 576 आएगा, 18 को 18 से करेंगे 324 आएगा प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 252, स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आ गया, रूट बना बेटे करने के लिए देखो मैंने इसके गुणनखंड बनाए 252 के, 2 से किया तो 126, 2 से किया 63, फिर 3 से किया तो 21, फिर 3 से किया 7, 7, 1, ये आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये 2 बाहर आ गया जोड़ा और यहां से इसका जोड़ा बना 3 बाहर आ गया और रूट 7, तो ये आ गया 6√7 मीटर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन बेटा, 12वां क्वेश्चन जो है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन में क्या था, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई एक 6 मीटर है, ये छोटा है और ए डी मैंने ले लिया बड़ा, ये 11 मीटर, दो खंभे हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ये इन ऊपरी सिरा इसका ये और उसका ये, इन दोनों की दूरी हमारे पास कितनी है, सॉरी यहाँ पे जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है बेटे, इसमें क्या है, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी नहीं, निचली सिरे जो नीचे वाले हैं इनकी दूरी जो है दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है, ए बी हमें निकालना है। हाँ जी देखो बेटा, ये हमारे पास 6 है, बी सी हमारे पास 6 है और ई डी भी ये 6 तो ये भी 6 होगा, ये हमारे पास 12 है तो ये भी 12 होगा और ये कितना दिया है 11 मीटर, देखो ये हमारे पास 6 है और ये फिर कितना होगा टोटल 11 है, 11 में से 6 गए कितने बचे 5 मीटर, तो मैंने निकाल लिया ए ई निकालना है, ए डी में से ई डी माइनस करके वो कितना आ गया 5 मीटर। अब हमें ये निकालना है और ये खंभा है तो ये 90 डिग्री कोण ही बनाएगा, समकोण त्रिभुज ही होगा, कौन सा ए ई बी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिभुज लगाएंगे, पाइथागोरस त्रिभुज में क्या है ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर तो निकालना है, ए बी स्क्वायर हमारे पास हो गया, ए ई हमारे पास कितना है 5 और बी ई कितना है 12, तो 5 का स्क्वायर मीन 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 और 12 का स्क्वायर 12 × 12 = 144, 25 और 144 ऐड करेंगे 169 बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट बन जाएगा और 13 होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे 13 × 13, जोड़ा बना के कितना आएगा बाहर 13 मीटर इसका जो है वो आएगा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन बेटे, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज, मैंने एक त्रिभुज बना ली समबाहु में जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी सी नाम दे दिया, ए ए ए तीनों भुजाएं बराबर कर दी, सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग, मैं एक भुजा मान लेती हूँ वो तो ए ली है, वर्ग भुजा का वर्ग क्या होगा ए स्क्वायर का तिगुना मीन 3a² ठीक है 3a² एक शीर्षलंब के वर्ग, शीर्षलंब मान लेते हैं x है, शीर्षलंब का वर्ग मीन x का वर्ग कितना x² के 4 गुना मीन 4x² के बराबर होता है, हमें सिद्ध करना है 3a² बराबर 4x², मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मान लेते हैं त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं किसके बराबर है a के बराबर है और मान लिया AD क्या है x, AD एक लंब है BC पे, तो BD जो हो उसका आधा होगा, आपको पहले बताया था BD किसका आधा होगा BC का, तो ये कितना आएगा a/2, ये भी a/2 आएगा, ये भी a/2, तो BD आ गया a/2। अब ये वाली त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन गई ABD, इसमें देखो बेटे पाइथागोरस त्रिभुज लगा दो, पाइथागोरस त्रिभुज जो है
वो कहते हैं यहाँ पे लगा के पाइथागोरस प्रमेय से। उसमें क्या होता है कि एबी स्केयर मीन्स करण का स्केयर, एबी स्केयर करण का स्केयर बराबर है आधार का स्केयर प्लस लंब स्केयर। लंब स्केयर कितना है एडी स्केयर प्लस आधार कितना है बीडी। बस सारी वैल्यूज हमारे पास है, एबी ए था, एडी एक्स है और बीडी ए बटा दो। तो ए स्केयर बराबर एक्स के प्लस ए का स्केयर बटा दो का स्केयर कितना गया चार, ए स्केयर बटा चार। मैं ए वाले सारे एक साइड इकट्ठा कर रही हूँ, ए स्केयर माइनस ए स्केयर बटा चार बराबर एक्स स्केयर। तो देखो एलसीएम लघुत्तम लेंगे तो चार इधर जाएगा, चार ए स्केयर माइनस ए स्केयर कितना है तीन ए स्केयर, और ये चार उधर चला गया तीन ए स्केयर बराबर चार एक्स स्केयर, ये हमें सिद्ध करना था। बेटे आपका ये सिक्स चैप्टर जो सिक्स चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, आपने अपनी कॉपीज अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं और अच्छी तरह से इसको समझना है।